मैं डॉक्टर शैलेन कुमार सिंह, डायरेक्टर लीवर केयर क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई 2023 को मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है वन लाइफ वन लिवर। ये अपने आप में दर्शाता है कि लीवर कितना अमूल्य है हमारे जीवन के लिए। जैसा कि नक्षत्र फाउंडेशन बच्चों के लिए समाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हेपेटाइटिस होने पे क्या सावधानियां बरतनी है, ये आज का टॉपिक दिया गया है हमें। हेपेटाइटिस होने पे सबसे पहले तो होने से पहले हमें इससे बचने के उपायों पे, जो कि और डॉक्टरों ने ज़रूर ब्रीफ किया होगा, तो हेपेटाइटिस अगर किसी को हो जाती है, किसी भी पेशेंट को, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट होना ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस किस वजह से हुई। क्योंकि हेपेटाइटिस 5 तरीके के होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई। तो जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है इस मौसम में, बारिश के मौसम में, हेपेटाइटिस ए और ई। हेपेटाइटिस ए और ई दोनों बहुत दूषित खान पान की वजह से होता है, और अगर ये एक बार हो गया तो अगर समय से इसका इलाज मिलता है और ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। सबसे पहले इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी किसी बीमारी से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। संयम बरतें, उचित खान पान और उचित चिकित्सक से और उनकी देख रेख में इलाज कराएं। आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे दवाइयों को फॉलो न करें। होम्योपैथी में इसका बहुत कारगर इलाज है हेपेटाइटिस ए और ई का, तो एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में संयमित खान पान के साथ अगर रखें तो हफ्ते से 10 दिन में काफ़ी आराम आना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।